हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट फोन अंडर 16,000। दोस्तों मैं आपको फिक्स 16,000 से लेकर 16,500 के प्राइस सेगमेंट के बेस्ट स्मार्टफोन्स इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर सभी यूज़र्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट तैयार की है फ्रेंड। यहाँ पर आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाले स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा फ्रेंड। जो लोग गेमर है उनको यहाँ पर काफ़ी पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर कम से कम 6GB रैम से लेकर 8GB रैम वाले स्मार्टफोन से यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ ही हाईएस्ट रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिलेगा। 90Hz से लेकर 120Hz वाले स्मार्टफोन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप YouTube, Netflix, Prime Video देखते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी बेस्ट AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। और जो लोग बिजनेस वर्क या पर्सनल वर्क स्मार्टफोन पर करते रहते हैं उनको यहाँ पर काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, आपके रिक्वायरमेंट के स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अगर आप अपने बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर आपको फिक्स प्राइस सेगमेंट के स्मार्टफोन बताए जाते हैं। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तो जिस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे ये एक लेटेस्ट और पावरफुल स्मार्टफोन है दोस्तों। इसमें आपको बेस्ट कैमरा देखने को मिलेगा सोनी सेंसर के साथ साथ दोस्तों काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अच्छी खासी रैम और स्टोरेज और काफ़ी बढ़िया बैटरी भी देखने को मिल जाती है फ्रेंड। ये स्मार्टफोन निकल के आता है शाओमी की तरफ से, शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो। दोस्तों इसके हम मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का सुपर AMOLED फुल HD रेजुलेशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको हाईएस्ट रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिल जाता है 120Hz का, HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड। इसके कैमरे की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइमरी कैमरा 64MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5MP का सुपर माइक्रो देखने को मिल जाता है, 2MP का डेप्थ सेंसर। इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 5020mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर इसके साथ देखने को मिल जाता है। मेन दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.3GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। इस स्मार्टफोन के आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो सबसे पहले फ्रेंड इस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करें तो आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाए सुपर AMOLED, साथ ही दोस्तों हाईएस्ट रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको HDR10 का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है फ्रेंड। अगर आप Netflix, YouTube वीडियो देखते हैं तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड इसका जो कैमरे की बात करें तो काफ़ी बेस्ट कैमरा देखने को मिल रहा है फ्रेंड 64MP का, जो कि फ्रेंड सोनी के सेंसर के साथ आता है। काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप भी ये स्मार्टफोन दे देगा फ्रेंड। इसके प्रोसेसर की बात करें तो जो स्नैपड्रैगन 732G का एक पावरफुल चिपसेट है दोस्तों ये, इसमें आपको लेग इशू कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। हाई ग्राफिक्स में आप इसमें गेमिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बेस्ट डिस्प्ले और बेस्ट परफॉर्मेंस वाइज और बेस्ट कैमरा वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा फ्रेंड्स। की मेन प्राइस की बात करें तो जो 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है 16,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाता है दोस्तों अमेजोन पे। दूसरा वेरिएंट 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस है फ्रेंड 16,999 रुपये। और तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस है 19,000 रुपये। दोस्तों अगर आप बेस्ट स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो अपनी बजट सेगमेंट में तो दोस्तों इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर दीजिएगा। अब फ्रेंड जिस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे ये एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ आता है फ्रेंड, साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाती है, बेस्ट स्मूथ एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी बेस्ट कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी, साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप
और काफ़ी बेस्ट इसके रैम और स्टोरेज इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड ये स्मार्टफोन निकल गया था रियलमी की तरफ से, रियलमी 8। फ्रेंड इसकी मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही 16 हर्ट्ज़ का रेफ्रिजरेट सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसकी कैमरे की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक साइड में, जो कि प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 मिली एमपीआर की बिग बैटरी और इसके साथ 30 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। मेन परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड तो परफॉर्मेंस वाइज इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G95 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के फ्रेंड आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड तो आपको काफ़ी बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फ्रेंड काफ़ी बेस्ट कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी आपको। 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसमें आप बेस्ट क्वालिटी की इमेज क्लिक कर पाएंगे फ्रेंड, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और जो मीडियाटेक हीलियो G95 है ये एक गेमिंग चिपसेट है फ्रेंड, अगर आप हाई ग्राफिक्स में गेमिंग करना चाहते हैं फ्रेंड तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। गेमिंग रिलेटेड आपको कुछ भी इशू इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड इसकी मेन प्राइस की बात करें हम तो जो 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है ये 14,499 रुपये में देखने को मिलेगा, 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 15,499 रुपये में, और 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको 16,499 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड आप अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बजट इस प्राइस सेगमेंट से कम का है तो दोस्तों जो डिस्प्ले पे ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आप एक बार चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए, नहीं तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में आपको इस बजट सेगमेंट से भी कम के स्मार्टफोन बताएं जिसमें आपको काफ़ी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी वाला कैमरा, साथ ही दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले और आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों रैम और स्टोरेज भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं ये अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है फ्रेंड, और दोस्तों इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफ़ी कमाल की गेमिंग इस स्मार्टफोन में आप कर पाएंगे दोस्तों, हाई ग्राफिक में गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, काफ़ी बिग कैमरा देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया बैटरी भी देखने को मिलेगी, और इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग रैम और स्टोरेज भी काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल के आता है शाओमी की तरफ से रेडमी नोट 10S, इस पर फ्रेंड आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 मिली एमपीआर की बिग बैटरी, साथ ही आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर। मेन इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G95 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है। साथ ही आपको इसमें एंड्रॉइड 11 का वर्जन देखने को मिलेगा और लेटेस्ट MIUI 12.5 देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे, और जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो आपको फुल HD रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है फ्रेंड, जिसमें आप व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का ले पाएंगे। इसमें आप YouTube, Netflix वीडियो वगैरह देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी बेस्ट देखने को मिलने वाली है, और 8 मेगापिक्सल का आप अलग से अल्ट्रा वाइड एंगल ले पाएंगे, बैटरी बैकअप भी काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा, और जो मीडियाटेक हीलियो G95 है ये इसमें आप काफ़ी कमाल की हाई ग्राफिक गेमिंग कर पाएंगे फ्रेंड। तो दोस्तों ओवरऑल इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो जो 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है 15,000 की कीमत में आप इसे ले पाएंगे, और जो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है इसे आप 16,000 रुपये की प्राइस में बाइक कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन ठीक ठाक लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको ये स्मार्टफोन ठीक ठाक ना लगा हो तो अभी हमारे लिस्ट में और भी ऐसे गेमिंग प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स हैं जो आपको बेहद पसंद आने वाले हैं, और साथ ही दोस्तों आपको काफ़ी कमाल का कैमरा भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। अब हम जिस स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे इसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ी बैटरी और काफ़ी बड़ा कैमरा भी देखने को मिलेगा, साथ ही काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगा, हायर रेफ्रिजरेट सपोर्ट, और दोस्तों काफ़ी बढ़िया इसके रैम और स्टोरेज भी देखने को मिल जाएंगे।
तो दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G40 फ्यूजन। इसके दोस्तों मेन स्पेक्स की बात करते हैं, इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रेफ्रिजरेट सपोर्ट, साथ ही दोस्तों आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम इसके कैमरे की बात करें तो ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, जो है 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इसमें आपको 6000 मिली एमपीआर की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, 20 वाट का फास्ट चार्जर। मेन इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ये एक लैग फ्री प्रोसेसर है और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें दोस्तों आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिलेगा और स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके वेरिएंट की बात करें तो दो वेरिएंट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं, जो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों मेन इस पॉइंट की बात है कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो आपको एक बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल रही है 4HD रेजोल्यूशन वाली, और साथ ही दोस्तों हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है। HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और दोस्तों जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा काफ़ी कमाल का है दोस्तों, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ी बैटरी है। दोस्तों मेन प्रोसेसर की बात करें फ्रेंड तो जो 732G है, इसमें आप कमाल की गेमिंग कर पाएंगे और काफ़ी फास्ट स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब और दोस्तों नेटफ्लिक्स वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया इसमें एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी भी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इसकी मेन प्राइस की बात करें फ्रेंड तो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आपको 14,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिलेगा, और 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 15,999 रुपये में। तो दोस्तों अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट है। और दोस्तों अगर आपको ये स्मार्टफोन ठीक ठाक ना लगा तो अभी हमारे लिस्ट में कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको पावरफुल प्रोसेसर के साथ बेस्ट क्वालिटी का कैमरा और काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप जरा सा भी ना करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, इस स्मार्टफोन में आपको लैग फ्री परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, काफ़ी बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों आपको इसमें काफ़ी बढ़िया कैमरा और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी और हायर रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके वेरिएंट भी काफ़ी बेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये स्मार्टफोन निकल के आता है पोको की तरफ से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो 120 हर्ट्ज के रेफ्रिजरेट सपोर्ट के साथ आती है। साथ ही दोस्तों आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। इसके फ्रंट कैमरे की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो है 20 मेगापिक्सल का और प्लस 2 मेगापिक्सल का, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। और दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो 4500 मिली एमपीआर की बैटरी, इसको चार्ज करने के लिए 29 वाट का फास्ट चार्जर। साथ दोस्तों इसके मेन प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का लैग फ्री पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो 2.2GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। तो दोस्तों इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है और आपको इसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे, दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड तो आपको फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आप व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट ले पाएंगे, और साथ ही दोस्तों हायर रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का, साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया कैमरा देखने को मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का। तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी, और जो फ्रंट कैमरा है इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी 20 मेगापिक्सल के कैमरे में, और इसमें बैटरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मेन दोस्तों जो स्नैपड्रैगन 730G है, ये एक लैग फ्री प्रोसेसर है, इसमें आपको लैग इशू नहीं देखने को मिलेगा और इसमें आपको अच्छी खासी गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा और साथ ही फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसकी मेन प्राइस की बात कर लेते हैं तो जो 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है 14,999 रुपये की प्राइस में देखने को मिलेगा, 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 15,999 रुपये की प्राइस में, और 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट 21,499 रुपये में। तो ये थे फ्रेंड आपके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन्स। अभी भी आपको स्मार्टफोन्स को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है फ्रेंड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और स्मार्टफोन्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड मिलता हूँ अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।